स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आज हम सबके बीच में एक भोजपुरी एक्टर है। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अमर पाड़ी दुबे जी के बारे में। इन्होंने कैसे कैसे काम कर इतनी बड़ी स्टार बनी है, हम उन सारे कारनामों के पर्दाफाश करेंगे जो अमर पाड़ी दुबे जी ने की है। तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नया वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों अमर पाड़ी का जन्म 11 जनवरी 1987 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शैलेश दुबे है और माता का नाम उषा दुबे। अमर पाड़ी दुबे हिंदू धर्म से बिलोंग करती है। इनका शौक है एक्टिंग, नाचना और गाना। अमर पाड़ी दुबे की अभी शादी नहीं हुई है। अमर पाड़ी किसी भी प्रकार की नशा नहीं करती है। अमर पाड़ी एक एक्टर बनने से पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को अभिनय के क्षेत्र में व्यवस्थित किया क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर थी। अमर पाड़ी ने 2008 में लोकप्रिय टीवी शो सात फेरे सलोनी का सफर में श्रेता का एक्टिंग किया था। दोस्तों अगर बात करें अमर पाड़ी दुबे जी की इनकम की तो वह यह एक फिल्म की 10 से 15 लाख रुपए लेती हैं। अमर पाड़ी दुबे का पूरा संपत्ति लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का है। अमर पाड़ी ने फिल्म की शुरुआत 2014 में की थी। इनकी पहली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी है जो सुपर हिट हुई थी और यहीं से इनका अच्छा समय शुरू हुआ और इनकी सारी फिल्म हिट होती गई। दोस्तों आपको अमर पाड़ी दुबे का करियर वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।